नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो ये है लिस्ट हरदोई की, 69,000 शिक्षक भर्ती, ये हरदोई की लिस्ट है। यहाँ पे देखिए कटाप जनरल का है और ओबीसी का है, एससी इस सभी का कटाप इसी में है। तो यहाँ देखिए 84.91 ओबीसी का, फिर है 84.87 एससी का, देखिए हरदोई फीमेल में है 84.80। और यहाँ पे देखिए ओबीसी लखनऊ फीमेल है 84.91, कट ऑफ है ओबीसी और जनरल का। एससी हरदोई 83.74। अब देखिए यहाँ पे जनरल, तो पहले ऊपर जितने भी सीट हैं हाई गुणांक के कारण जनरल और ओबीसी के हो गए हैं। यहाँ देखिए जनरल अब शुरू हो रहा है, अब आपको दिखा रहे हैं हम सीट। इधर देखिए, तो ये अगर मान लीजिए हटाते हैं, 69,000 का पीडीएफ है ये जनरल। फिर देखिए जनरल फीमेल 81.85, ये ज्योति सिंह है। ऊपर की लिस्ट और नीचे की लिस्ट में अंतर देखिए अस्पष्ट आपको दिख जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है एक से। तो ऊपर देखिए ज़्यादातर जो लोग जनरल कैटेगरी के ना होकर के यहाँ पे ओबीसी और एससी वाले आ गए थे, और जो लिस्ट तैयार किया गया है उसमें जनरल वालों की सीट में जो ओबीसी एससी आ रहे हैं उन्हें उसमें दिया नहीं गया है, इसी वजह से विवाद हो गया। तो जनरल ये देखिए शाहजहाँपुर फीमेल, गुणांक है 96.67, जनरल उन्नाव मेल, गुणांक है 96.16। अब नई लिस्ट ही बनेगी, नई लिस्ट जो बनेगी इसी के हिसाब से बनेगा 69,000 से छः भर्ती में। अब सब एक साथ बनेगा, यानी जो ओवरलैपिंग होंगे उनको भी अब ओवरलैप कराया जाएगा, फिर इसी हिसाब से बनेगा। देखिए ओबीसी हरदोई ये पाँचवें क्रमांक के, देखिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओबीसी 93, एससी देखिए मेल में है 96.11। तो ये अब जो है सरकार क्या कह रही है, किसी को निकाला नहीं जाएगा, यानी कि अब सरकार एक रास्ता निकाल रही है सुपर न्यूमेरिक पद। यहाँ देखिए लिखा भी गया है सुपर न्यूमेरिक पद सृजित करके राहत देने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती, जो विज्ञापन के अनुसार। तो अनिशा अब जो है सरकार न्यूमेरिक पद सृजित करना चाहती है, जिसे बोलते हैं सुपर न्यूमेरिक, यानी पदों में और जोड़ना ताकि कोई बाहर ना होने पाए। ओवरलैपिंग ना होने के कारण ही तब विवाद हुआ है। नई लिस्ट जो बनेगी उसमें बहुत ज़्यादा जो संशोधन यही होगा कि जनरल कैंडिडेट जो ऊपर नीचे के चयनित हुए हैं वही बाहर होंगे, क्योंकि लगभग जो बताया जा रहा है कि 7,000 से 8,000 लोग बाहर होंगे। सरकार की लगातार मीटिंग भी चल रही है कि किसी भी प्रकार से किसी को बाहर ना किया जाए। कुल 219 पेज का ये पीडीएफ है हरदोई डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें गुणांक आपको जनरल ओबीसी एससी एसटी और विकलांग कोटा यानी क्षैतिज आरक्षण दिव्यांग कोटा के भी बताया जाएगा। यहाँ देखिए फाइनल क्या क्या दर्शाया गया आपको बता देते हैं। सीरियल क्रमांक है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए फाइनल एप्लीकेशन नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये कास्ट है, ये है आपका डीनेम मतलब कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका जेंडर है, ये गुणांक है। गुणांक देखिए जो बना था उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के गुणांक, यानी कट ऑफ जो लगा था 90-97 उसको, इसके अलावा जो हाई स्कूल इंटर बीए या बीटीसी सब जोड़ करके गुणांक बनाया गया था। अगर आप बात करें जो हाईएस्ट गुणांक चला जा रहा है कहीं कहीं 101-103, तो वो शिक्षा मित्र के गुणांक है, क्योंकि उनको 25 नंबर का वेटेज भी दिया गया था। तो यह देखिए अब 72 नंबर जनरल, 86.94 मेल में है, तो ये मेल फीमेल सभी का गुणांक एक साथ बनाया है यहाँ पे। तो अब देखिए ओबीसी नई लिस्ट बनने के बाद ही क्लियर होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में कितनी सीटों पे किसको मिलेगा, कौन बाहर तो करने के क्या होगा, क्योंकि सरकार तो कह रही है हम किसी को बाहर नहीं निकालेंगे। न्यू सुपर न्यूमेरिक पर जो आपको दिखाएं अभी पेपर कटिंग,
उसमें देखिए अस्पष्ट उल्लेख है कि ये पद जब सृजित हो जाएंगे, जो लोग प्रभावित होंगे जनरल कैटेगरी के, वे फिर से उस पद पर ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, यानी निकाला नहीं जाएगा। आपको बता दें कि अभी हाल में ही प्रदर्शन के दौरान दोनों ग्रुप आमने सामने भी आ गए थे। 139 जनरल हरदोई 80.59, 69,000 शिक्षक भर्ती का ये लिस्ट है। फिर देखिए 143 पे OBC हरदोई 80.10, 154 नंबर पे देखिए यहाँ पे 78.79। तो विवाद क्या चल रहा है, विवाद करीब साल भर पहले से भी 22,000 सीट लगभग बता रहे थे OBC कैटेगरी वाले उस पर है। इसके अलावा जो 6,000 की लिस्ट निकली थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। 165 नंबर पे देखिए जनरल कैटेगरी फीमेल गुणांक 77.73 है। ये कुल PDF है 219 पेज का। अगर PDF की बात करें यहाँ पे देखिए, ये काउंसलिंग जो हुआ था 3/6/2020, अब इसमें जो नीचे के जनरल होंगे वही बाहर जाएंगे, उनके स्थान पे OBC और SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लाया जाएगा। तो नीचे की जो जनरल आएंगे वही बाहर निकलेंगे, लेकिन सरकार का कहना है सुपर न्यूमेरिक पद जोड़ करके हम किसी को भी आहित नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप इस PDF के माध्यम से देख सकते हैं किनका चयन नीचे हुआ है। जनरल कैटेगरी हरदोई 231 पे 74.52 कट ऑफ चल रहा है। 239 पे देखिए SC कैटेगरी 74.31 और OBC का है 74.30 प्रयागराज। यहाँ पे देखिए OBC 1996 डेट ऑफ बर्थ है, मेल 74.17। यहाँ पे हरदोई OBC 73.90 OBC का ही है। यहाँ पे देखिए 96 डेट ऑफ बर्थ जनरल 73.84 आंचल सिंह। यहाँ पे देखिए हरदोई का ही है लिस्ट, जनरल कैटेगरी 286 पे 73.23। और ये देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी 9 का 73.71। 309 पे जनरल कैटेगरी मेल 72.99 वीर बहादुर सिंह। इसके बाद देखिए OBC 72.78, 72.68 फीमेल अंशु सिंह। और जनरल कैटेगरी सीतापुर के चयनित हुए हरदोई में विकास सिंह। तो आप PDF रोक भी दे सकते हैं यहाँ पे। जनरल कैटेगरी है 72.16, लगभग SC का कट ऑफ जो न्यूनतम गया था वो 60 था। यहाँ पे देखिए SC फीमेल का 72 गया है। 396 सीरियल क्रमांक के जनरल मेल 71.92। और यहाँ देखते हैं जनरल कैटेगरी हरदोई फीमेल 71.78। तो ये सजमा खान है। यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी हरदोई 71.70। तो आपको बता दें कि प्रत्येक जिला में जो 75 जिला था सबका लिस्ट जारी किया गया था आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश PNPU है उसके द्वारा लिस्ट निकाली गई थी। लिस्ट में गड़बड़ी के कारण बाद में यहाँ पे देखिए रद्द कर दिया गया है लिस्ट।
अब नई लिस्ट आएगी, नई लिस्ट में जो होगा पूरी कैटेगरी और आरक्षण लगा करके, अब कुछ लोग अंदर होंगे कुछ लोग बाहर होंगे, सरकार के ऊपर है क्या करती है, सुपर न्यूमेरिक लाती है। सभी 75 जिले का जो गुणांक है 69,000 शिक्षक भर्ती का, ये देखिए कुल ऐसे तैयार किया गया है। यहाँ पे हरदोई डिस्ट्रिक्ट का ही चल रहा है, हरदोई में काफ़ी सीटें थी। यहाँ पे 583 भी देखिए जनरल कैटेगरी 70.66, क्योंकि लगभग 67-68 तक जनरल कैटेगरी का आया था, जनरल कैटेगरी फीमेल 70.54। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का काफ़ी विवाद अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है, जबकि 2018 में फॉर्म आया था, 2019 6 जनवरी को पेपर हो गया था एक महीना के अंदर ही, यही सबसे बड़ी गलती थी। इसमें पेपर भी पहले प्रदर्शन किए थे कई लोग, प्रयागराज में पेपर आउट हो गया था जब, तो काफ़ी प्रदर्शन हुआ था, दिल्ली तक लोग गए थे, लेकिन कहा गया पेपर आउट नहीं हुआ है। इसके बाद छात्रों का आरोप था, फिर शिक्षा मित्र वाले भिड़ गए थे, जिसमें 90 कटाप लग गया था, क्योंकि पहले कटाप नहीं लगा था, जो 68,500 आई थी 68,500, इसमें कटाप लगने के बाद कोर्ट में गया था, बाद में कोर्ट ने माना सरकार कटाप लगा सकती है, जिसके कारण बहुत से जो शिक्षा मित्र थे वो गुणांक के कारण लेकर के भी बाहर हो गए थे। बाद में इसमें जो गुणांक तैयार हुआ उसी समय रोक लगा दिया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के द्वारा, फिर इसमें विवाद चलता ही गया, बाद में कोर्ट ने अब रोक लगाया और कहा कि नई लिस्ट तैयार करिए। 758 पे जनरल लखनऊ 70.13 स्मृति का, ये कुल 219 पेज का पीडीएफ है, काफ़ी बड़ा पीडीएफ है ये। हरदोई डिस्ट्रिक्ट कुल 75 डिस्ट्रिक्ट का जो है कटाव अलग अलग जारी किया गया था, संयुक्त रूप से नहीं जारी किया गया था, जहाँ जहाँ काउंटिंग या इसका होता था हो जाता था वहाँ पे। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं थी, जबकि उस समय जो शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास 52,000 सीटें हम जल्दी देंगे, लेकिन उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली थी। यहाँ जनरल 69.73 फीमेल में है नाजरा अनवर, यहाँ जनरल 69.72 चल रहा है, और यहाँ 898 भी देखिए जनरल कानपुर नगर का 69.19, ये जहाँ के निवासी हैं कानपुर के, हरदोई में इनका नियुक्ति हुआ है। उनहत्तर हज़ार में ही बीडीएड वालों को मौका मिला था, क्योंकि 68,500 में नहीं मिला था। और ये देखिए जनरल कैटेगरी 800.97 पे चल रहा है, जनरल देखिए अमेठी के हैं ये, फीमेल में है वंदना 68.82 इनका कटाप है। अब जल्द ही लिस्ट आएगी और तब क्लियर हो जाएगा कि सरकार क्या रास्ता निकालती है, सुपर न्यूमेरिक लगाती है क्या लगाती है। जनरल 68.45 एक एक गुणांक में ही कह के लोग हैं, और जनरल देखिए यहाँ पे 68.35 पे आया है। अब जनरल देखिए 1,099 पे 68.31, ओ बी सी के देखिए 68.30, और यहाँ देखिए ओ बी सी का 68.26। यहाँ देखिए 68.21, 68.19 और ओ बी सी, एक 111 पी डी पे चल रहा है इस समय।
चैनल 67.86। ओबीसी लखनऊ 67.51। ₹1591 ओबीसी उन्नाव 67.34। यहाँ पे देखिए 67.21। ओबीसी यहाँ पे देखिए 67.16। और ओबीसी सीतापुर के चयनित है 67.14। जैसे ओबीसी का ही लिस्ट चल रहा है 67.13। एक ही गुणांक पे देखिए लगातार अगर देखेंगे तो बहुत लोग हैं एक ही गुणांक पे लगभग अधिक से अधिक प्रजन है। ओबीसी लखनऊ यहाँ देखिए उन्नाव का है, ₹1977 क्रमांक के फीमेल 68.15 जनरल कैटेगरी 65.18। कुल 219 पेज का ये पीडीएफ लगभग में, जो कि 185 हो चुकी हैं। जनरल कैटेगरी हरदोई 63.91, ये फीमेल है प्रज्ञान सिंह। अब नीचे जनरल कैटेगरी 63.161 है हरदोई, जनरल कैटेगरी 63.48, जनरल कैटेगरी 63.28 और फिर है जनरल कैटेगरी 63.24। और 62.91 जनरल कैटेगरी। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं जनरल कैटेगरी का गुणांक अगर कहीं मिलता है, जनरल कैटेगरी 6-2। यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी का गुणांक कितना गया है, 8-6 गुणांक यहाँ पे गया है।
बिल्कुल पीडीएफ 219 कंप्लीट हो चुका है। आखिरी में देखिए जनरल कैटेगरी ज़्यादातर कितने पे 60 पे हैं। जनरल कैटेगरी ओबीसी 61.67, जनरल कैटेगरी 61.50, ये अंतिम पीडीएफ है। धन्यवाद, नमस्कार।